दहेज की खातिर ससुरालियों ने मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाला। पति दे रहा है तलाक के साथ साथ जान से मारने की धमकी। नमस्कार, एपी लाइव में आपके साथ मैं हूँ सिमरन कौर। मीरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी विवाहिता ने महिला थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसकी शादी अमरोहा के कस्बा नौगावा के निवासी मुंतजर मेहंदी पुत्र मौलाना फतियाब हुसैन के साथ लगभग 8 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुई थी, जिसमें शादी का सभी सामान लगभग 5 लाख रुपए का दहेज दान दिया गया था। लेकिन शादी के बाद से कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब विवाहिता ने एक लड़के को जन्म दिया तो उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एक लड़की को जन्म दिया तो पति दहेज की मांग करने लगा, और दहेज की मांग पूरी न करने पर पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के साथ दर्द भरी यातनाएं देने लगा और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए विवाहिता को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। विवाहिता ने इसका विरोध किया तो हैवानियत के दरिंदे ने अपनी पत्नी को रात में जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन विवाहिता ने शोर मचाकर अपनी जान बचाई और विवाहिता ने अपने मायके में फोन किया, जिसके बाद विवाहिता अपनी मायका में आ गई। इसके बाद हैवानियत के दरिंदे ने किसी और लड़की को भी अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया और अब विवाहिता को तलाक की धमकी देने के साथ साथ कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी लगातार दे रहा है। लेकिन पीड़िता की तहरीर पर महिला थाने की पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और पीड़िता न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। मेरा नाम नाजहरा है। क्या घटना घटी थी आपके साथ? जी, मुझे ससुराल वालों ने धक्के देकर निकाल दिया। मैं वहाँ रहना चाहती हूँ, मुझे रखना नहीं चाहते बिल्कुल भी। तलाक की धमकी दे रहे बार बार, और मैं वहाँ कई बार वैसे भी चली गई, मुझे वहाँ से कमरे में भी घुसने नहीं दिया। मेरे कमरे में लॉक लगा दिया और घर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया। देवर नंद जेठ ने मुझे मारा पीटा और निकाल दिया। किस चीज़ की डिमांड करते हैं आपसे? मुझसे जहेज की डिमांड करते हैं जी। क्या बोलते? ये कहते हैं कि घर से पैसे लाओ, पैसे लाओ। बार बार मेरी सास भी यही कहती है, ला पैसे ला पैसे। और मेरे पापा ने कई बार पैसे, जब वे जिंदा थे तो कई बार पैसे दे भी दिए थे मुझे, मगर वे कहाँ तलक पैसे देते। अब उनका इंतकाल हो गया, 3 साल पहले मेरे पापा का इंतकाल हो गया। उसमें आपने मुकदमा? मैंने मुकदमा महिला थाने में किया था, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तलक भी मेरे। मैं SSP को देना आई हूँ। तलाक की भी धमकी देते हैं और ये कहते हैं हम तलाक ही देंगे, हम घर में रखने के नहीं बिल्कुल भी। अब वो बताओ मैं इस बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड फिर उसका डिजाइनिंग का काम करते हैं, प्रिंटर। तो आप क्या चाहती हो इस समय? मैं तो वहाँ जाना चाहती हूँ। वैसे मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी शादी 8 साल पहले हुई थी, एक लड़का होकर इंतकाल हो गया था। अब ये लड़की है मेरी, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी बताओ? अगर वो लेकर नहीं जाता फिर आप क्या करोगी? बस वो जब मेरी मजबूरी है, अगर ना लेकर गए तो क्या कानूनी कार्रवाई चाहोगी उसके ऊपर? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए बस। ब्यूरो रिपोर्ट, UFT लाइव। बंद कर दे।